अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तनवीर न्यास है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल तनवीर टॉक्स। क्रिकेट की तरह रंग बदलना, तो आपने ये मुहावरा सुना होगा और ये मुहावरा अमूमन नेगेटिव थॉट्स को आपके जहन में लेकर आता है कि क्रिकेट की तरह रंग बदल लिया। क्रिकेट क्यों रंग बदलता है? क्रिकेट इसलिए रंग बदलता है कि वो अपने आस पास के माहौल के हिसाब से उसमें ढल जाता है और अपने सर्वाइवल को मुमकिन बनाता है और उन कंडीशन में रहना सीखता है और दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाता है। इट मीन्स कि वो उन कंडीशंस को अडैप्ट कर लेता है। यही चीज़ है अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी को अगर मैं ईजिली और डिफाइन करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एज पर कंडीशन अपने आप को एडजस्ट करना होता है, न्यू कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होता है, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है, चेंज को एक्सेप्ट करना होता है और उसके साथ फिर आगे बढ़ना होता है। आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ बिल्कुल मुस्तकिल नहीं होती है, वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं। आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ आएंगी, टेक्नोलॉजी में भी तब्दीली आएगी, आपके लाइफ में मज़ीद चलते चलते हर चीज़ में तब्दीली आएगी और उस तब्दीली को एक्सेप्ट करना ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आप इन तब्दीलियों के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो जिस तरह से आप इन तब्दीलियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको भी तब्दीलियां एक्सेप्ट नहीं करेंगी और आप एक बाउंड्री के अंदर रह जाएंगे। तो अडैप्टेबिलिटी का मतलब यह हुआ कि एक्सेप्ट द कंडीशन, एक्सेप्ट द चेंज एंड वर्क अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। उन कंडीशंस को समझना है, उनको एक्सेप्ट करना है और उस चेंज के साथ आगे बढ़ना है। तो ये थी अडैप्टेबिलिटी की डेफिनेशन। किसे हम अडैप्टेशन भी कहते हैं, अडैप्ट करना भी कहते हैं, कि नई कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना, नई कंडीशन के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना और किस तरह से मैं सर्वाइव करके ग्रो कर सकता हूँ इन कंडीशन में और कोप अप कर सकता हूँ किसी भी सिचुएशन को और किसी भी कंडीशन को ईजिली हैंडल कर सकता हूँ। तो बी अडैप्टेबल इन योर लाइफ। अडैप्टेबिलिटी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल है कि आपने सीखना ज़रूरी है। अगर आप अडैप्टेबल नहीं हो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, तो आपके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।